अखिल भारतीय कोली कोरी समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन दिनांक 13 नवंबर 2022 को भोपाल रेलवे इंस्टीट्यूट में संपन्न हुआ। आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के पधारे पदाधिकारी एवं महिला पदाधिकारी द्वारा समाज को शैक्षणिक तथा आर्थिक रूप से विकसित होने के संबंध में अपना उद्बोधन दिया गया। आयोजन समिति द्वारा सभी पदाधिकारियों का आत्मीय सम्मान साल श्रीफल तथा स्मृति चिन्ह देकर उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री विश्वास सारंग ने इस कार्यक्रम में शामिल होकर समाज को शिक्षा की ओर अग्रसर करते हुए अपना उद्बोधन दिया, जिस पर समाज के प्रदेश एवं राष्ट्रीय सम्मानीय अतिथियों द्वारा एवं समिति अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण, ठेकेदार पंथी एवं संरक्षक राम प्रसाद चंदौरिया तथा संयोजक हरगोविंद खुरैया एवं श्री गणेश राम शाक्य, कार्यवाहक अध्यक्ष परसराम पंथी रमेश सोनिया पूरी, आयोजन समिति द्वारा उनका हृदय से आभार व्यक्त किया। आदित्य शाक्य जी हमारे बीच मौजूद हैं। देखिए सभी लोग बराबर क्रम में आते रहे। देखो हमारे बीच हमारी जितनी बहनें हैं, बालिकाएं हैं, देखो अभी ज्यादा तादाद उनकी है, जीत रहे हैं वो लोग। हमको अभी ऐसी यहाँ पर सूचना मिली है कि जीत रहे हैं। देखिए ज्यादा बिना शर्माए आगे की ओर आ रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है हमारे समाज के लिए। अगर हमारे समाज की नारी शक्ति, देखिए पहले तो हमारा इतिहास ही ऐसा है, वीरांगना घलकारी भाई का इतिहास है हमारा, तो नारियां क्यों आगे नहीं रहेंगी। हेलो, एक बार जरा समाज के लिए ताली बजाते हैं एक बार हमारे जी भाई। पावन जिले सभी जिले से बेटा बेटी आए हैं और समाज के सभी समाजवादी आए हैं और विगत कोरोना काल के 3 साल बाद कार्यक्रम किया जा रहा है और सक्सेस किया जा रहा है। यहाँ पर सभी बच्चे बच्ची का युवाओं के जो बच्चे बच्ची आ रहे हैं उनका वाटा भराएगा एवं दिखी करी जाएगी। यहाँ पे आयोजन कब से आयोजन कब से करते जा रहे हैं? आयोजन तो हम हस्ता करते हैं हालांकि और किसी भी देर मैंने इस साल 3 साल नहीं किया था कोरोना काले चक्कर में, फिर डबल से किया है। इससे आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवकों के परिचय सम्मेलन से? युवा संदेश चाहेंगे, युवा जो है वो अपनी ऊर्जाओं सही दिशा में लगाए, नशा से दूर रहे और गलत आदतों से दूर रहे, अच्छा संदेश दे समाज को, अपने बड़े बच्चों को प्राप्त करें, अच्छी पढ़ाई शिक्षा करें।